ये लो भाई एक और मैच आ गया आईपीएल में जहां सब ने अपनी नींद अच्छे से पूरी कर ली होगी। लो आ गए ना हम वापस बोरिंग आईपीएल पे। रोज 200 बन रहे, 250 बन रहे, इतने रन्स क्यों पड़ रहे हैं, वर्स्ट आईपीएल एवर, ये सब बोल बोल के सब लोगों ने बेचारे हाई स्कोरिंग एंटरटेनिंग मैचेस को नजर लगा दी है। भैया मोटा भाई को तुम लोगों ने इतनी कंप्लेन कर करके गुस्सा दिला दी है। अब 3 मैचेस ऐसे हो चुके हैं जहां पे टीम से 200 रन ही नहीं बन पा रहे हैं। मुझे देख लो भाई, मैं तो शुरू से ही कहता था हाई स्कोरिंग एंटरटेनिंग मैचेस पसंद है मुझे, ये लो स्कोरिंग में मजा ही नहीं आता यार। लड़के हो तुम, चुप रहो। नहीं मतलब चलो यार 180-190 तो बनवा दिया करो, थोड़ा थ्रिल आ जाता है उसमें। ये 160-140 तो हमें पहले भी कभी पसंद नहीं थे, लेकिन इतना तो है कि लो स्कोरिंग मैचेस देख के थोड़ा सुकून मिला। मुझे नहीं, बोलर्स को, एक्सक्लूडिंग अर्शदीप सिंह। भाई ये क्या हो रहा है, पिछले 2 दिन से जिस जिसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्ट कर रहे हैं सब खराब परफॉर्म करने लग गए हैं। मतलब अभी तक जो अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही थी ये सब तुम्हारा दिखावा था। हाँ। इस मैच में अर्शदीप सिंह 13 रन पर ओवर से पिटाई हुई है उनकी। रविंद्र जडेजा एज अ बैटर 2 रन 4 बोले, फिनिशर है ही हमारे। फिर आए हैं शिवम दुबे, गोल्डन डक। अभी तो जो कल मुंबई और एलएसजी का मैच हुआ था जिसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसमें ही इतने कांड हो गए थे। रोहित शर्मा हमारे कैप्टन 4 रन 5 बोले, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या भी गोल्डन डक पे, और सूर्या भाई का तो पता ही है तुम्हें, इंपॉर्टेंट मैच में 10 रन 6 बोले। आज से 2-4 दिन पहले यही सारे प्लेयर्स अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रहे थे हार्दिक भाई को छोड़ के, लेकिन पता नहीं अब सबको क्या हो गया, सब हार्दिक के लेवल पे आ गए। लग रहा है अपनी इंडियन टीम इस बार समझ गई है कि अगर पहले ही अच्छा खेल के जाएंगे तो लोग ज्यादा उम्मीदें लगा लेंगे, इसलिए खराब खेल के जाते हैं तो जो होगा देखा जाएगा। हम तो अभी खराब खेल रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्री के प्लेयर्स यहाँ आईपीएल में बैठे हुए हैं वो तगड़ा खेल रहे हैं। अरे रायली रुस्सो तो साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में भी नहीं है तब भी अच्छा खेल गया, वैसे ही जैसे अपने ऋतुराज भाई लगे हुए दिन रात मेहनत करने। भाई इसे कहते हैं डेडिकेशन। बंदे का नाम रिजर्व में भी नहीं आया फिर भी कंसिस्टेंसी देख लो, परफॉर्मेंस नहीं रुक रही है। अरे विराट कोहली से आगे निकल गए, 500 रन बना दिए इस सीजन में बंदे ने, अब ऑरेंज कैप होल्डर बन गया है। अब तुम सोच के देखो अगर एंड ऑफ द सीजन ये ऑरेंज कैप ले जाता है और ये तुम्हारी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं है तो कैसा लगेगा। वैसे देखो जो 2 वीडियोस मुझे मिस करनी पड़ी, दिल्ली वर्सेस केकेआर और मुंबई वर्सेस एलएसजी, वो इसीलिए बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबियत खराब थी, लेकिन कल वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ गई थी तो उस पे अर्जेंटली वीडियो बनानी पड़ी तबियत खराब में भी, तो वो मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसको जाके देख लो। उसमें मैंने सारे कॉम्बिनेशंस की बात करी है जो हम वर्ल्ड कप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली रिंकू को जो सिलेक्ट नहीं करा उस बारे में भी दुख मनाया। बट अब तो लग रहा है ऋतुराज के लिए भी दुख मनाना पड़ेगा भाई, जस्टिस फॉर ऋतुराज गायकवाड़। इतनी स्लो और डिफिकल्ट पिच जहां पे किसी भी बैट्समैन से ढंग से बैटिंग नहीं हो पा रही, वहां पे ही अच्छी लंबी इनिंग्स खेल के गया है। हां सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना इजी हो गया था, उससे कंपेयर मत करना क्योंकि बहुत सारी डीओ आ जाती है चेपॉक में, लेकिन फिर भी पिच काफी स्लो थी, तभी तो तुम देखोगे यार शशांक सिंह जैसा बंदा रन बॉल खेल के गया इस मैच में। बुरा तो लगता है ऋतुराज के लिए, टॉस बंदा जीत नहीं पा रहा, 10 टॉसेस में से एक ही टॉस मैनेज कर पाया जीतना। अब तो सुनने में आ रहा है ये बंदा नेट प्रैक्टिस से ज्यादा टॉस प्रैक्टिस कर रहा होता है, टॉस वैसे ही नहीं जीत पा रहा और बाकियों की परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि अब मैचेस भी नहीं जीत पा रहा। पिछली कितनी इनिंग्स से बेचारा अकेला रन बना के चले जाता है, बाकी सब म्यूजिकल चेयर्स में लगे रहते हैं, फिर एंड में आके थाला एक चौका मार देते और लोग सब भूल जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, डेवॉन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इंजरी में एक हाथ से इन सबसे बेटर बैटिंग कर सकता है, बट चेन्नई के लिए जैसे जैसे क्वालिफिकेशन पास आ रही है प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। दीपक चहर इस मैच में इंजर्ड हो गया, पथिराना ऑलरेडी इंजर्ड था और मुस्तफिजुर रहमान भी अवेलेबल नहीं है रिमेंडर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। अरे तुषार मैग्राथ यार इनका बेस्ट विकेट टेकर वो भी नहीं खेल रहा था इस मैच में इंजरी की वजह से। डर लग रहा है भाई क्योंकि माही भाई का लास्ट सीजन है, क्या सीएसके प्लेऑफ्स भी नहीं निकाल पाएगी। तुम ये सब छोड़ो भाई, तुम ये बताओ इंटरनेशनल क्रिकेट में हम अपने वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बाय द वे नाइस बोलिंग शिवम भाई, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ बंदे ने अगले ही मैच में चाहे डक बना दिया हो, लेकिन आते ही पहला ओवर डाला है बॉलिंग से और दूसरी बॉल पे विकेट निकाली है, और वो भी सेट जॉनी बेट्स तो की यार कोई छोटा मोटा बैट्समैन नहीं था। हार्दिक भाई बंदा बैटिंग में तो खा ही रहा था, बॉलिंग में भी करियर खाने आ गया है, देखते ही देखते कॉम्पिटिशन बढ़ा रहा है, अब लग रहा है बैकअप होने वाला है, थोड़ा और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दो। अब दुबे ने तो चलो विकेट ली ही, बट इस मैच में जो नहीं भी सोचा था वो भी हो गया, हालांकि एवरेज इनफाइनाइट से 110 पे आ गई क्योंकि भाई वो आईपीएल में पहली बार आउट हो गए और अभी भी किसी बॉलर की हिम्मत नहीं हुई है, बंदा रन आउट हुआ है लास्ट बॉल पे। बेटा यही रन आउट अटेम्प्ट करते आज से 1-2 साल पहले तो देखते माही भाई कैसे तीसरा रन भाग रहे होते इस समय। हालांकि क्या ही है भाई, आए एक चौका मारा एक छक्का मारा, उनका हो गया और हमारा भी। सबसे फनी चीज तो ये थी कि लास्ट ओवर में थाला ने जब एक शॉट खेली तो डैरिल मिचेल दूसरा रन
खेलने के लिए भागे, लेकिन थाला खड़े रहे, उनको भागना ही नहीं था, उन्होंने उसको वापस भेज दिया। ये वीडियो काफी वायरल हुई थी, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिए। पर दोस्तों समझा करो, करना पड़ता है, कंटेंट भी तो देना है ना यार थाला को, चेपॉक के फैंस को खुश भी करना है। डैरिल मिचेल चाहे 6 छक्के भी मार दे उससे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि थाला स्ट्राइक पर है, चाहे उन्होंने 2 ही रन लेने हो। जड्डू भाई का सेट है, टीम अनाउंसमेंट से पहले भी वही परफॉर्मेंस, टीम अनाउंसमेंट के बाद भी वही परफॉर्मेंस। शिवम दुबे कुछ सीखो, इसे कहते हैं रियल कंसिस्टेंसी। बाकी सीएसके ने रिचर्ड ग्लीसन को जो एज कॉनवे का रिप्लेसमेंट डाला था टीम में, उसको भी मैच खिला दिया और बंदे ने आके विकेट्स भी ले ली, अच्छी बॉलिंग कर दी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सीएसके भले ही मैचेस हार जाए, लेकिन अभी भी प्लेयर्स को सड़क से उठा के स्टार बनाना नहीं भूली है। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। पंजाब ने अपना कोड क्रैक कर लिया है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अभी 18th-19th ओवर में ही गेम फिनिश कर देते हैं, लास्ट ओवर तक जाने ही नहीं देते क्योंकि पता है वहां तो चोक कर जाएंगे। बट सोचो भाई, सीएसके जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट पंजाब 5 बैक-टू-बैक मैचेस जीता है, अनरियल डोमिनेशन है ये। और अभी संडे को फिर से एक होने वाला है, कहीं वो भी पंजाब ना जीत जाए। आज तो भाई ये पंजाबी आलू के पराठों से पहले डोसा पेल के आए हैं, अब तो 2 अच्छे-अच्छे मैचेस जीत गए भाई। पहले केकेआर के अगेंस्ट इतनी बड़ी चेस कर ली और अब चेपॉक में सीएसके को हरा दिया। अगर ऐसा ही फॉर्म चलता रहा पंजाब किंग्स का, तो बेचारी प्रीति जिंटा को एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ के शेफ बनना पड़ जाएगा। ये तो आलू के पराठे खाने के लिए रेडी होंगे हर मैच के बाद। कांग्रेस टू पंजाब, इतनी मेहनत करके फाइनली ये लोग 8th पोजीशन से 7th पोजीशन पे आ गए। अर्शदीप भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर 50, बस आपको याद दिलाना था कि आप हमारे वर्ल्ड कप में मेन पेसर हो। नहीं मतलब इतनी बोलिंग फ्रेंडली पिच पे बंदे ने 22 बॉल में अपनी 50 कंप्लीट करवा दी। एग्जैक्टली यही सब तो मैं कह रहा था अपनी वर्ल्ड कप वाली वीडियो में, बुमराह को देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन सिराज और अर्शदीप कैसी बॉलिंग कर रहे हैं भाई, ऊपर से हार्दिक भी है। और वही राहुल चहर को देख लो, ये एकदम डीके और विजय शंकर की तरह है भाई, जैसे ही वर्ल्ड कप आ रहा है पता लगता है ये बंदा फॉर्म में आ जाता है। अभी इस मैच में कितनी बढ़िया बॉलिंग कर दी और 19th ओवर धोनी के अगेंस्ट इतना अच्छा डाला है कि सीएसके को इतने कम टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मेरे हिसाब से तो इस मैच में राहुल चहर और हरप्रीत बरार ये दोनों गेम चेंजर्स थे पंजाब के लिए। क्रेडिट्स टू हरप्रीत भाई, काफी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और पंजाब को जीतने में हेल्प कर दी। ये भाई क्लास का वही बच्चा जिसकी हरकतें सारी बैक बेंचर्स वाली है, मतलब मस्ती करेगा, रीले बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर टाइम पे पढ़ाई करके अच्छे से नंबर भी ले आएगा। मेरे को तो अब कंसर्न इस बात का है कि शिखर भाई कहां चले गए, हम तो उनकी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जस्टिस मांगने वाले थे, यहां तो पंजाब किंग्स में ही नहीं आता पता उनका। बट सैम करर ने टीम को अच्छे से संभाल तो रखा है और कैप्टन भी एकदम बढ़िया है भाई, मास्टर स्ट्रोक डाला इस मैच में, हर्षल पटेल को केवल 1 ओवर दिया, पता था यार वरना 180-200 पड़ जाते, लेकिन फिर भी अपने हर्षल भाई तो दयालु है ना यार। सीएसके ने 48 बॉल से बाउंड्री नहीं मार रखी थी, लेकिन हर्षल भाई ने आते ही अपने ओवर में पहली बॉल पे 5 रन दे दिए, कोई टाइम नहीं लिया बंदे ने। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस गाय, इसीलिए हमारा चेयरमैन है भाई। पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग तो हो रखी है, राजस्थान को इस समय हटा दो तो केकेआर और एलएसजी काफी ज्यादा अच्छी पोजीशंस पे है और असली कंपटीशन आई थिंक चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली के बीच में ही है अभी। बाकी जितना मैच अलाउ करती है उस हिसाब से मुंबई और आरसीबी शायद बाहर हो चुके हैं, बस अब फाइनल नेल इन द कॉफिन वाली बात रह गई है। अब क्या करूं भाई, पॉइंट्स टेबल डिस्कस करनी पड़ रही है क्योंकि इस मैच में कुछ ज्यादा था ही नहीं, इसीलिए कहता हूं मोटा भाई को मत गुस्सा किया करो, अच्छे हाई स्कोरिंग एंटरटेनर्स देखने दो हमें, जो कि आज हो सकता है क्योंकि आज होने वाला है भाई मौत का नंगा नाच हैदराबाद में। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, द मोस्ट सक्सेसफुल टीम एंड द मोस्ट डेंजरस टीम। देखो भाई पैट कमिंस इस समय 2 मैचेस हार के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में अनाउंस भी हो गया लेकिन वो कैप्टन नहीं है, मिचेल मार्श कैप्टन है। तो बंदे के अंदर दर्द भरा हुआ है, दुख से भरा है, गुस्सा आ रहा है उसको। और भाई सामने संजू सैमसन है जो चिल है, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो ये फायर वर्सेस आइस में मजा आएगा आज। और आई एम श्योर हैदराबाद का हो गया है, वो 250 की पिच प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरी फैंटेसी टीम आज के मैच के लिए ये होने वाली है, कैप्टन मैं बना रहा हूँ संजू सैमसन को और वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा के साथ जा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ चाहे उतना हाई स्कोरिंग भी ना हो लेकिन थ्रिलर बन जाए तो मजा ही आ जाएगा। मेरी प्रिडिक्शन लेकिन ये कहती है कि राजस्थान को ये मैच जीत जाना चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम पे आ जाना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।